यस हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स। हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ टॉपिक की, यानी जो छोटे छोटे इंट्रोडक्शन है जिनकी जरूरत पड़ती है आपको अपनी एक्सरसाइज को करने के लिए। तो ये पूरे चैप्टर में एक इंट्रोडक्शन है जो कि हमने लिया है, ठीक है। बात करते हैं अगर लाइंस की, तो लाइंस आपको पता है कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ठीक है। मेन पार्ट आपके पास यहाँ पर आता है आपके पास एंगल। तो एंगल के लिए अगर हम बात करेंगे तो स्टूडेंट देखिए जरा यहाँ पर इसके कुछ टाइप्स हैं। पहला टाइप है आपके पास एक्यूट एंगल। अगर हम एक्यूट एंगल की बात करेंगे तो एक्यूट एंगल में क्या होता है स्टूडेंट कि एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू जीरो से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, यानी बिटवीन जीरो एंड 90। मीन्स जैसे कि सपोज करो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया आपको 45 डिग्री का। 45 डिग्री भी हो सकता है आपके पास, यहाँ पर मान लीजिए 30 डिग्री भी हो सकता है, यानी कि कोई भी आपके पास एंगल हो जो जीरो से बड़ा होना चाहिए बट 90 डिग्री से लेस होना चाहिए, वो क्या होगा आपके पास स्टूडेंट एक्यूट एंगल होगा। बात करते हैं यहाँ पर राइट एंगल की, तो राइट एंगल के लिए मस्ट है कि वो एग्जैक्ट एंगल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का ही एंगल बने तब हम उसको बोल सकते हैं राइट एंगल होगा, राइट। बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, तो ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है स्टूडेंट कि एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से मोर हो बट 180 डिग्री से लेस हो, यानी 90 से ऊपर कुछ भी, 91 हो, 92 हो, 93 हो, व्हाटएवर, 180 से कम हो, यानी 179 तक भी आपका चल जाएगा, फाइन। बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेट एंगल की, तो स्ट्रेट एंगल में क्या होगा कि एक ऐसी लाइन, ठीक है, जो एक इनिशियल पॉइंट से इधर भी जाए उधर भी जाए, तो ये जो पूरा एक एंगल बनेगा तो एग्जैक्ट 180 डिग्री का होगा। कितने का स्टूडेंट? एग्जैक्ट 180 डिग्री का होगा। बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की, तो रिफ्लेक्स एंगल की अगर हम बात करें कि एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 से ज्यादा हो बट 360 से कम हो, यानी 180 से ज्यादा का मतलब क्या है आपके पास 220 भी हो सकता है, ठीक है, 240 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, बट मतलब इससे नीचे और इससे ऊपर होगा, क्लियर, इन दोनों के बीच में ही लाइन करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कंप्लीट एंगल की, तो कंप्लीट एंगल जो रहता है वो पूरा का पूरा एक 360 डिग्री का होता है, यानी कि जैसे कि आपकी वॉच है, घड़ी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो जो उसकी हैंड है, चाहे वो मिनट हैंड हो, सेकंड हैंड हो, या फिर आपके पास आवर हैंड हो, वो जो पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है तो वो करती है कितने डिग्री का आपके पास 360 डिग्री का। इसमें ग्राउंड स्टूडेंट आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की, ये कुछ स्पेशल केसेस जो रेयर बच्चों को पता होता है, हालांकि ये सब चीज़ें पहले ही आपको पढ़ा दी जाती है बट आपको फिर भी याद रखनी है। बात करते हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके पास क्या होता है स्टूडेंट कि ऐसे दो एंगल जिनका सम आपके पास कितना हो 90 डिग्री हो। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, मैंने कहा यहाँ पर कि एक जो एंगल है वो आपके पास दे रखा है 80 डिग्री है, तो इस 80 डिग्री का जब मैं बात करता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री की, तो कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट बी 10 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का सम आपके पास 90 डिग्री होना चाहिए, क्लियर स्टूडेंट। यानी कि अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट की सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा, ऐसे दो एंगल जिनका सम आपके पास कितना होता है स्टूडेंट 180 डिग्री होता है, वो आपके पास क्या होगा सप्लीमेंट्री होगा। सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला एक एंगल जो आपके पास है वो आपके पास दे रखा है यहाँ पर, सपोज करो 120 दिया, राइट, तो मैंने बोला कि 120 का सप्लीमेंट बताइए, यानी कि सप्लीमेंट्री बताइए, तो जब मैं सप्लीमेंट्री की बात कर रहा हूँ तो एंगल बी आएगा आपके पास 60 डिग्री। देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो ऐड करके कितना आएगा स्टूडेंट 180 आएगा, ये एग्जांपल के तौर पर हमने लिया, फर्स्ट एग्जांपल लिया। अगर मैं बात करता हूँ एक ऐसा ही और एग्जांपल की बात करें, तो अगर यहाँ पर मैंने कहा ए की वैल्यू कि ए है आपके पास 50 डिग्री, तो 50 का आपको सप्लीमेंट बताना है, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल बताना है, तो सप्लीमेंट्री एंगल अगर मैं 50 का पूछूं तो देखना 180 में से जब 50 को लेस करें तो एंगल बी कितना आएगा आपके पास स्टूडेंट 130 आएगा, क्योंकि 130 और 50 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट 180 डिग्री आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है आई थिंक, क्योंकि इन दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा आपकी एक्सरसाइज में, जो अपकमिंग एक्सरसाइज हम करेंगे, राइट। बात करते हैं यहाँ पर कुछ एंगल की बात करेंगे जिनका यूज किया जाता है जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, यानी कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर वर्टिकली एंगल, वर्टिकली एंगल क्या होता है इसमें देखिए ध्यान से कि एंगल 1 और एंगल 3 एक क्रॉस लाइन है आपके पास, देखो ये दो लाइनें हैं अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो एंगल 1 के जस्ट अपोजिट ये आपके पास दिख रहा है, तो आपके पास एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल 1 जो होगा 3 के इक्वल है, एंगल 2 जो होगा आपके पास एंगल 4 के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि 2 का वर्टिकली अपोजिट तो 4 है, ठीक
का वर्टिकल वर्टिकल अपोजिट की मैं बात करूं तो इसके जस्ट सामने, तो कितना आपके पास है एंगल 1, ठीक है। या कुछ भी हो सकता है, सपोज करो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये आपके पास दे दिया 45 डिग्री, कितना दिया है 45 डिग्री, और मैंने बोला कि आपके पास बाकी जो रिमेनिंग एंगल है वो आपको फाइंड आउट करनी है। इसका वर्टिकल ही क्या होगा, ये 45 है तो इसके जस्ट सामने ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट 45 डिग्री हो जाएगा, राइट। अगर मैं बात करूं कि बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है या जो बाकी जो रिमेनिंग एंगल है वो भी आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको जरूरी होता है इस लीनियर पेयर की, इस लीनियर पेयर की आपको नीड होगी, ठीक है। लीनियर पेयर में क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है कि उसमें दोनों एंगल का सम कितना होगा आपके पास 180 डिग्री होगा, यानी कि लीनियर पेयर में अगर एक इनडायरेक्ट वे की बात करूँ तो लीनियर पेयर का मतलब होता है सप्लीमेंट्री दो, ठीक है, कि दो एंगल को अगर हमने ऐड किया तो दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा आपके पास, वो लीनियर पेयर बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इसी से अदर एंगल की बात करें और लीनियर पेयर का हम यहाँ पर इस्तेमाल करें तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, तो एंगल 1 और 2 का सम कितना आ जाएगा स्टूडेंट 180 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो 180 में से अगर मैं 45 को लेस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 135, देख लीजिए ऐड करके, ठीक है। तो देखो जरा इसको इसको अगर हम ऐड करेंगे तो दोनों की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 180 डिग्री आएगी, लेस करके देख लीजिए आप 180 में से अगर मैं 45 को लेस करूंगा तो 135 आ रहा है, राइट। आई होप सो इसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ठीक है, देखिए भी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।